ये मैंने बैगन लिया है, एक बैगन है बड़े साइज का। अब इसको देखना है कि अंदर ये कीड़े हैं या नहीं हैं। तो हम लोग इसको दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐसे कट लगाऊंगी। देखिए नहीं है, इसमें मैं डालूंगी लहसुन। इस तरीके से देखिए क्लीन है। इससे हमारा बैगन बहुत जल्दी पकेगा। ये इस तरीके से देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब इसमें लगाते हैं हम लोग ऑयल। तो अपने हाथ से पूरे अच्छी तरीके से इसमें ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने से इस पकने के बाद में इसका जो ऊपर का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। अब चलते हैं इसको पकाने के प्रोसेस में। अब चलते हैं इसको भूंजने के प्रोसेस में। ये देखिए बैगन मैंने इस तरीके से भूंजने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम हम लोग थोड़ा लो कर देते हैं। अब हम लोग इसको भूंज लेते हैं। इस तरीके से हम इसको घुमा लेंगे। घुमा घुमा के इसको लोग चारों साइड से इसको पकाएंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए इसको मैं एक बार और पलट रही हूँ ऐसे चारों साइड से इसको घुमा घुमा के हम लोग इसको पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम लोग ऑफ कर देते हैं। ये देखिए बैगन हमारा भुंज गया है। अब हम लोग इसको ठंडा करके छील लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से छील लिया है। अब चलते हैं तड़के के प्रोसेस में। तड़के के लिए हम लेंगे ऑयल, हींग, जीरा, दो सूखी लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च। टमाटर इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया है। गार्निश करने के लिए धनिया, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए है, एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इस तरीके से उसको ग्रेट कर लिया है। 10 से 12 कलियां लहसुन के लिए इस तरीके से मैंने इसको चॉप कर लिया है। और एक हरी मिर्च ली है। बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हो सिर्फ बच्चों के लिए तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब चलते हैं तड़के के लिए। अब हम लोग ऑन करते हैं अपनी गैस। गैस मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। हम लोग इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग। हींग का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जाएगा जीरा, ये 2 सूखी मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च और इसमें भुना हुआ अदरक। इसको हम लोग 2 मिनट भूनेंगे जब तक थोड़ा रेडिश नहीं हो जाता। ये देखिए ये हमारा लाल हो गया। अब हम लोग इसमें डालेंगे अपनी प्याज। ये देखिए प्याज हमारी भून गई है, लाल हो गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे फिर टमाटर।
और इसमें जाएंगे हम हमारे स्पाइसेस, ये गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये नमक, ये लाल मिर्च। अब हम लोग इसको अच्छे से मिला लें। और भी अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम लोग इसको लिड लगा के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि हमारे टमाटर बिल्कुल गल जाए। गैस का फ्लेम ऑन लो ही रखिएगा फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं और इसमें जाएगा ये हमारा भुना हुआ बैगन। मिला देंगे, ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम लोग 5 मिनट तक इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद फिर हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें डालते हैं अपना धनिया। ये देखिए हमारा भरता बन के बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा बैगन का भरता बन के बिल्कुल रेडी है। खुशबू इससे बहुत अच्छी आ रही है। पहले टाइम पे दादी और नानी हमारी इसी तरीके से भरता बनाती थी, पर वो चूल्हे में भूंज के बनाती थी। मैंने यहाँ पे गैस में भूंज के भरता बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।